नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। विश्व हिंदू परिषद के एक समर्थक की शिकायत के बाद दो महिला पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। समृद्धि सुकुनिया और स्वर्ण झा ने कहा कि वो त्रिपुरा में हुई हालिया हिंसा को कवर कर रही थीं। समृद्धि सुकुनिया ने ट्वीट किया कि उन्हें असम के करीमगंज में नीलम बाजार पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि गोमती जिले के एसपी के आदेश पर उन्हें हिरासत में लिया गया है। वहीं त्रिपुरा पुलिस ने कहा है कि समृद्धि सुकुनिया के ट्वीट के आधार पर केस दर्ज किया गया है। ट्वीट में एक निजी घर में प्रार्थना कक्ष को अधजली हालत में दिखाया गया है। इसमें कुरान को जलाने का दावा किया गया है। पुलिस के मुताबिक उन्हें धार्मिक दस्तावेज जलाने का कोई सबूत नहीं मिला था। पत्रकारों को पूछताछ के लिए अगरतला आने के लिए कहा गया था। राज्य छोड़ने के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था। सोमवार की सुबह पत्रकारों ने कहा कि पुलिस ने उनसे मुलाकात की और उन्हें डराने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उन्हें होटल छोड़कर अगरतला नहीं जाने दिया गया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की एक टीम ने पत्रकारों को नोटिस दिया और उन्हें 21 नवंबर को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा। सूत्रों ने यह भी बताया कि फर्जी समाचार प्रसारित करने के मामले में पूछताछ की जा सकती है। दूसरी ओर एडिटर्स गिल्ड्स ऑफ इंडिया ने पत्रकारों को हिरासत में लिए जाने की निंदा करते हुए ट्वीट किया है कि पत्रकारों की तत्काल रिहाई होनी चाहिए और उनकी यात्रा करने की स्वतंत्रता की बहाली होनी चाहिए। पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर ट्वीट कर आरोप लगाया गया था कि विश्व हिंदू परिषद के जरिए एक रैली के दौरान त्रिपुरा में एक मस्जिद में तोड़फोड़ की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बात का कड़ा खंडन करते हुए कहा कि रिपोर्ट फर्जी और तथ्यों को पूरी तरह से गलत बयानी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के ताज़ातरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।